अध्यक्ष दारोबिंद के द्वारा एक जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को खीतसराय प्रखंड के खीतसराय में स्थित भाजपा कार्यालय के सामने राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का पुतला फूंका। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शैलेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी के एक जिला अध्यक्ष द्वारा महिला और एक जाति विशेष के खिलाफ असभ्य टिप्पणी करना बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि राजपा ने भाजपा के वरीय नेताओं से आरोपी जिला अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, पर इसके बावजूद भाजपा ने आरोपी जिला अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। भाजपा आरोपी को बचाने का प्रयास कर मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि अगर जल्द ही आरोपी को पार्टी से निष्कासित कर उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस मौके पर मुकेश कुमार सलेमपुर, संटू गांव सैयदपुर, अजीत कुमार, कुणाल कुमार गांव बन्ना, कुंदन गुड्डू गांव रोनिया, निशांत मिश्रा धर्मजीत कुमार गांव इस्लामपुर सहित कई लोग उपस्थित थे। गया से रमेश कुमार की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताजा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।